प्रेम केवल एक ही है, दिव्य प्रेम, शाश्वत, वैश्व, सबके लिए, सभी अवस्थाओं में समान। अनिश्चितताओं और परीक्षणों से घिरी दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो प्रेम और करुणा की भावना का प्रतीक हैं। यह आशीष गौतम जी के साथ जुड़ी हुई दिव्य प्रेम सेवा मिशन की यात्रा है। लगातार काफी दिन हिमालय क्षेत्र में घूमने के बाद हरिद्वार में कुछ आश्रमों में चुपचाप गोपनीय भाव से रहना, उस समय ही जहाँ पर हम लोग आज बैठे हैं चंडी घाट हरिद्वार में आना, जहाँ पर सैकड़ों संख्या में कुष्ठ रोगियों के परिवार झुग्गी झोपड़ी में कुछ आश्रम में रहते थे। कुष्ठ रोग के प्रति पिछले 50 वर्ष से जो गलतभ्रांत अवधारणा है कि ये रोग छुआछूत का है, पूर्व जन्म के पापों का फल है, आपका जीवन सार्थक इसमें हो सकता है कि हम इनके जीवन को कैसे सुख मिले, सुविधा मिले, संपन्नता मिले, जीवन यापन का सामर्थ्य मिले, उन पर काम करना 97 से प्रारंभ किया था चंडी घाट की झुग्गी झोपड़ी से। आशीष जी जब यहाँ आकर इस पुल के नीचे रिट्टी में बैठ गए सेवा करने के लिए, तब उनको पता नहीं था कि होने वाला है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। क्योंकि चार प्रकार की सेवा उसके आयाम है, आध्यात्मिक सेवा, शिक्षा सेवा और चिकित्सा सेवा, अंतिम आयाम उसका है अन्न सेवा। व्यक्ति भूखा है, उसकी एकमात्र पात्रता है कि भोजन मिलना चाहिए। हमारे दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तीनों केंद्र, वंदे मातरम कुंज हो, चाहे सेवा कुंज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज का हो, सभी स्थानों पर सामान्य जो भी आता है हरिद्वार में सम्मान के साथ में भोजन, और हम तो रोज कहते हैं कि कल पुनः आना प्रभु हमारे यहाँ। कभी मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि शायद इस मिशन को लेकर के आशीष जी में जितनी संकल्प और सेवा की भावना है वो इस रूप में समाज के सामने प्रदर्शित होगी। वर्ष 1997 में दिव्य प्रेम सेवा मिशन की शुरुआत की थी। आज हमारे पास देश भर से लगभग 650 बच्चे हैं जिनको हम स्किल्ड कर रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं, उनको संस्कारित कर रहे हैं, और उनको आगे बढ़ के कैसे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपने समाज की, अपने देश के बारे में कैसे सोच सकें, खुद भी सामर्थ्यवान बने और अपने देश की भी चिंता कैसे कर सकें, इस नाते से उनको स्किल्ड कर रहे हैं। उत्तर भारत के केंद्र में स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक पवित्र वातावरण को बढ़ावा देती है, जहां बच्चों को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी पोषित किया जाता है। यहां शिक्षा केवल व्यावहारिक नहीं है, यह आत्मज्ञान का मार्ग है जो एक उज्जवल और आध्यात्मिक रूप से अनुकूल भविष्य को बढ़ावा देती है। कुष्ठ रोग के कारण से शरीर में जो विकलांगता है, दिव्यांगता है, वो कैसे दूर हो, रोज मलहम करना, रोज पट्टी करना, रोज घाव साफ करना, रोज उनको दर्द निवारक दवाएं देना, ऐसे सैकड़ों कुष्ठ रोगियों के लिए चलने वाला हमारा नियमित हॉस्पिटल समिधा सेवार्थ चिकित्सालय के नाम से, जो इनके बालक बालिका हैं, इनका योग्य एजुकेशन, तो इसके लिए छोटे स्कूल अनेक प्रकार के, फिर जिस बालक में जो क्षमता है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास का हो, फिर पैरामेडिकल, नर्सिंग और डॉक्टर तक उनको ले जाना, खेल जगत से जोड़ना, सामान्य समाज की जितने प्रकार की गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, सक्रियता के द्वारा समाज की, देश की मुख्य धारा में जोड़ना, ताकि ये उसको ठप्पा न लगे कि कुष्ठ रोगी बालक है, अनुवांशिक है। इसलिए इस प्रकार के चार प्रकार के आयामों में 27 से ज्यादा प्रकल्प चलाते हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए
दिव्य प्रेम सेवा मिशन उपचार शिविरों का आयोजन करती है। अटूट भक्ति और परमात्मा के प्रति गहन संबंध के माध्यम से दिव्य प्रेम सेवा मिशन हम सभी के भीतर सुप्त दिव्यता को जागृत करने के लिए प्रयासरत है।